दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बहन भागीरथी बिष्ट जी की कहानी, उन्हीं की जवानी सुनने वाले हैं। उन्होंने कितना संघर्ष किया, वो किस प्रकार इस मुकाम पर पहुंची, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार गुरुदेव ने मंच पे इनवाइट किया है और पहली बार गुरुदेव को सुनने का मौका मिल रहा है और कभी लाइव देखने का मौका भी मिलेगा। तो सभी, सबसे पहले तो जिनके द्वारा हमारी जूम ऑर्गेनाइज की जा रही है, हमारे गुरुदेव जितेंद्र शर्मा जी को नमस्कार, प्रणाम है उनको, और सभी सीनियर अप्लायन को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। और थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ से अपना परिचय शुरू होता है तो कभी उनका परिचय लेने का भी मौका मिलता है, तो आज मुझे भी ये मौका मिला है यहाँ पर इस नेशनल मंच पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दूँ, नाम भागीरथी बिष्ट है और उत्तराखंड अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। यहाँ से 25 किलोमीटर अपना गाँव है, धामस नाम से जाना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज इस नेशनल मंच पर जो पहली तारीख को आज यहाँ पर मेरे को अपने आप को पेश करने का यहाँ पर मौका मिला है, वो गुरुदेव की यहाँ पर उन्हीं के सानिध्य में मुझे ये मौका मिला है। तो सबसे पहला तो जो सुबह का हमारा करो योग, रहो निरोग, हेल्थ सही तो वेल्थ सही, और गुरुदेव के माध्यम से जो हमें योगा का जो सेशन मिला है, इससे अपने आप में बहुत परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जो अपने अंदर जो पेन थे, धीरे धीरे वो दूर हो रहे हैं, और आज इस नेशनल मंच पर बोलने का बहुत अच्छा मुझे मौका मिला हुआ है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि जब थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पर बताने का जब मौका मिल रहा है, तो स्टोरी को बताना भी है और उसको मनन भी करना है कि यहाँ पर हमें किस तरीके से यहाँ सिस्टम में लाया गया है और हमें सिस्टम क्या दे रहा है और सिस्टम से हमें क्या सीखना है। और हमारी अपलाइनों के माध्यम से जो कल की जो क्लोजिंग है, वाकई में गुरुदेव ने अभी जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग हुई है, कहा तो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जूम भी एक ऐसा सेशन है जिसने बूम मचा रखा है और जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग हुई है। और धीरे धीरे लग रहा है कि एमराल्ड के लेवल पर हम भी पहुंचने वाले हैं और पहुंच जाएंगे, यहाँ पर हमारी गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे साथियों, कहने का मतलब यह है कि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं थी और मान सम्मान की कमी थी। वहाँ पर मेरे पिताजी एक फॉरनर थे जो विदेश में रहते थे, स्पेन जैसे शहर में रहते थे, और स्पेन जैसे शहर में आपको पता ही होगा कि फॉरेन कंट्री में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। तो ऐसे जगह से मेरे पापा बिलोंग करते थे और हम चार भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, एक भाई है, तीन बहनें हैं हमें। तो धीरे धीरे ये चीज हमें यहाँ पर पिताजी ने, क्योंकि उस समय पढ़ाई का उतना प्रचलन नहीं था, थोड़ा बहुत था हमारे गांव में ऐसा, मतलब बहुत अंधविश्वासी लोग हैं, बहुत मतलब पिछड़ापन है हमारे गांव में। तो जब धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ना, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाना शुरू किया, तो 700 की नौकरी से हमें हमारे पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे करके विदेश जाने का उनका मन बना, विदेश में मेरे ताऊ जी रहते थे तो उन्हीं के माध्यम से मेरे पिताजी भी विदेश गए, और विदेश जाके हम लोगों को तो कभी नहीं ले गए, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि जाएंगे करके। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब पढ़ाई शुरू हुई तो लगभग लगभग हमारा जो स्कूल जहां हम पढ़ने जाते थे, जंगल का रास्ता था, 8-10 किलोमीटर दूर था और बहुत जंगल, ऐसा घना जंगल था। ऐसे रास्ते से हमने संघर्ष किया पढ़ाई के लिए, और अपने गाँव से अभी तक मैं पहली लड़की थी उस गाँव से हाई स्कूल पास जिसने किया था। तो हाई स्कूल पास करने के बाद क्या होता है, उस जमाने में जब होता था तो कहते थे कि अब लड़की ने 8 पास कर लिया तो इसकी शादी कर दो, और अगर 10th हो गया तो बाबरे 10th पढ़ लिया है, इसने हाई स्कूल ये हो गई है, इसकी शादी करनी है, और शादी की तैयारी होती थी। तो इसी प्रकार का मेरे साथ भी ये यहाँ पर समय जो बीता, तो मेरी भी शादी हो गई। जैसे ही मैंने 10th क्रॉस किया तो मेरी भी शादी हो गई, और शादी करके
मैं एक ऐसे घर में आई जहाँ पर मुझे बहुत मतलब मेरे ससुराल वाले भी 6 भाई थे मेरे ससुर लोग, तो वहाँ पर मुझे उस घर में भी पैसे की कमी नहीं थी। और मेरे हस्बैंड एक सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति हैं जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला, अच्छा घर मिला। लेकिन मेरे अंदर वो परिवर्तन फिर भी नहीं आया। जब मैं मायके से आई थी तो तब मेरे पिताजी के नाम से मुझे पहचाना जाता था, और लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो मुझे पति के नाम से जाना गया, पति के नाम से मेरी पहचान थी। और उसके बाद जब पति के नाम से मेरी पहचान, धीरे धीरे मेरे बच्चे, बड़ा लड़का हुआ, और बड़ा लड़का हुआ तो फिर मेरी पहचान लड़के में परिवर्तन हो गई, तो मैं बच्चे के नाम से जानी जाने लगी। तो मुझे आज तक ये पहचान नहीं मिली। लेकिन आज जहाँ पर मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला, मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तो जो अपलाइन मेरी थी वो एक इंटरमीडिएट मतलब इंटर में पढ़ने वाले थे वो व्यक्ति, उनके पास ये सिस्टम आया था। वो मेरे पास इस सिस्टम को अपनी माताजी के माध्यम से, वो एक ANM की यहाँ पर हमारे यहाँ पर कार्यरत थी, तो वो उनके माध्यम से मेरे पास ये सिस्टम आया। और सिस्टम जब मेरे पास आया तो सिस्टम में मैं इतना जानती नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, कभी बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, और कभी मौका नहीं मिला बाहर जाने का। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, और फॉर्म देने के बाद मेरे से कहा गया कि ये फॉर्म को आपको भरना है, और ये प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिए, एक हर्बल शैम्पू, जो हमारा सिनोल का हर्बल शैम्पू चलता है, एक वो शैम्पू का डिब्बा, और 2-4 साबुन नहाने वाले मेरे हाथ में थमा गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को उस फॉर्म को दिखाया, मुझे इतना पढ़ना नहीं आता था, थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश मेरी बहुत डाउन थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को जब उस फॉर्म की जानकारी दी और मैंने बताया कि ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में ये पता नहीं क्या है, आप देखो इसको, और देखने के बाद आप जब इसको देखोगे, उन्होंने देखा, उनकी समझ में आ गया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे और उनका उनको नॉलेज भी थी, मुझे नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने जब उस फॉर्म को देखा, और प्रोडक्ट यूज करने वाली मैं थी, मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे उस समय अच्छे बुरे का भी इतना अंदाजा नहीं था कि शैम्पू लगाते हैं और साबुन नहाते हैं, ऐसा मतलब मुझे पता था कि उसकी क्वालिटी का पता मुझे नहीं था। तो क्वालिटी का पता जब मुझे नहीं था, तो मैंने जब मेरे हस्बैंड के समझ में आया, तो मेरे हस्बैंड सीधे, जिनके माध्यम से हमें सिस्टम मिला था, मेरे हस्बैंड उनके पास गए, और वो उनके घर में जब गए तो वो हमारी अपलाइन वहाँ पर, वो जगह भी नहीं थी, तो हमारी अपलाइन को उठाने के लिए जब मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए, तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि सर ये क्या है मुझे बताया, क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड उनके पास गए अपने आप को पूछने के लिए कि मैंने इसको क्या करना है सर, इसमें क्या करना है। तो वो फॉर्म सबमिट करके आए, वहाँ पर फॉर्म भरा उन्होंने, फॉर्म को सबमिट किया, और फॉर्म भरने के बाद वहाँ से हमारी ज्वाइनिंग शुरू हो गई। और ज्वाइनिंग शुरू हुई तो मैं तब भी इस सिस्टम को नहीं हुआ करती थी, तो थोड़ा सा, क्योंकि गांव में जब रहते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है और पॉजिटिविटी नहीं रहती है, क्योंकि जैसा जैसी संगत होती है वही रंगत होती है। तो धीरे धीरे मतलब गांव का माहौल भी इतना गंदा था, हमारे गाँव में माहौल बहुत बेकार था, तो मैं गाँव के माहौल से भी थोड़ा सा अपने आप को मतलब सोचती थी कि मैं कहाँ आ गई और कहाँ मैं क्या सोचती थी। तो ये मेरे मन में ये भाव थे, मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड को भी, उनका भी साथ नहीं देती थी, क्योंकि गांव के माहौल में जैसे लोग रहते हैं वैसे लोगों में वो ढलते थे। तो धीरे धीरे जब ये सिस्टम को उन्होंने समझा, मेरे हस्बैंड ने, तो सिस्टम को जब उन्होंने समझा, तो वो सिस्टम को समझते समझते उन्होंने सिस्टम को शुरू कर दिया, यहाँ पर सिस्टम को करना शुरू कर दिया। और सिस्टम को करना शुरू किया तो घर में धीरे धीरे हमारे घर में प्रोडक्ट आने लग गए, प्रोडक्ट चाय आने लगी, तेल आने लग गया, मसाले आने लग गए, साबुन आने लग गया। तो यूज हम कर रहे थे, लेकिन यूज करने के बाद उसकी क्वालिटी हम नहीं बताते थे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, उससे क्या परिवर्तन हम लोगों को हो रहा है, तो हम लोग ये नहीं कहते थे। मुझे मतलब ये होता था कि घर के कामकाज भी थे, गाय बछिया भी थी, बूढ़े सास ससुर भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे मेरे, तो उनको संभालने के साथ साथ मैंने एक एक ऐसा मतलब एक अपने आप में परिवर्तन एक ऐसा लेना चाहा कि गांव में प्राइवेट स्कूल था, तो स्कूल था तो मैंने थोड़ा धीरे धीरे करके वहाँ एक उनके प्रिंसिपल से थोड़ा सा पहचान बनाई, और मैंने कहा कि अगर मैं मुझे आप रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर छोटे बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ।
तो मैंने इतना चीज अपने साथ लिया था, मैं स्कूल भी जाती थी और स्कूल से आने के बाद खाना बनाती थी, गाय बच्चियों को भी देखती थी, खेती बाड़ी भी करती थी। तो धीरे धीरे मैंने ये चीज शुरू किया, तो क्योंकि कहते हैं ना जैसी नॉलेज आप लेना चाहेंगे उसी नॉलेज से आपका दिमाग भी परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार से जब मेरे अंदर परिवर्तन धीरे धीरे मैंने पढ़ना, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे ये मौका मिला। पढ़ने की इच्छा तो मेरी थी, लेकिन हमारा स्कूल बहुत दूर था तब, वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई। लेकिन यहाँ सिस्टम के माध्यम से मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला। मेरे हस्बैंड ने जब धीरे धीरे सिस्टम को समझे, तो मेरे हस्बैंड ने इस सिस्टम से धीरे धीरे शुरू किया, लेकिन मैं शुरू नहीं हुई थी। मैं शुरू तब हुई जब मुझे रॉयल्टी जैसी इनकम आई, और रॉयल्टी जैसी इनकम को भी मैं नहीं पहचानती थी। रॉयल्टी कहते हैं तीन लोगों को मिलती है, पहला मिलती है लेखक को, दूसरा मिलती है गायक को, तीसरा मिलती है वैज्ञानिक को। लेकिन जब मुझे यहाँ पर रॉयल्टी जैसी इनकम आई, तो उस समय भी मैं अपने मायके गई हुई थी, तो सर ने कहा कि हमारा सेलिब्रेशन है और आपको यहाँ आना है, और यहाँ हमारी रॉयल्टी जैसी पिन हमें मिली हुई है। तो मैं मायके से यहाँ पर आई और साथ में अपने पापा को भी लाई, क्योंकि मेरे पिताजी ने, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि कभी मेरी लड़की मंच से बोलेगी करके। तो जब हमें रॉयल्टी जैसी इनकम आई, मुझे जब मंच पे बुलाया गया, जब मुझे मंच पे बुलाया गया, तो मेरे हाथ में जब वो माइक थमाया गया, तो मैं बोल नहीं पाई, क्योंकि वो माहौल हमारे बीच में ऐसा माहौल नहीं था कि ये महिलाएं बोलें। जब कोई महिलाएं, अगर महिला बोलती है, तो उससे कहते हैं कि ज्यादा बोलने लग गई है, तो उनकी आवाज को दबाया जाता था। अगर कोई महिला अच्छा करना चाहती है, तो ज्यादा स्मार्ट बन गई है और ये ज्यादा बोलने लग गई है, ज्यादा तेज है, ऐसा बोलते थे। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते थे, अपनी इच्छाओं को दबाए रहते थे और अपनी इच्छाओं को आगे जगाने का प्रयास नहीं करते थे। लेकिन एक ऐसा सिस्टम आया जो हमारे आदरणीय टीसी सर के द्वारा और हमारे बीसी सर के द्वारा जो ये सिस्टम आज यहाँ पर चल रहा है, तो इस सिस्टम के माध्यम से जिस महिला को बोलना नहीं आता था, जो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस महिला को आगे बढ़ना नहीं आता था, जिस महिला को आज इतने बड़े नेशनल मंच पर आज आप देख रहे होंगे, जिस जो महिला अपने घर में अगर चार मेहमान भी आ जाते थे तो उनके सामने नहीं जाती थी, तो अगर वो मेहमान मेरे घर पे आते तो मैं क्या करती थी, मैं पांव छूके बाकी चली जाती थी, मैं चाय देने नहीं जाती थी, मैं खाना बनाती थी, खाना परोसने नहीं जाती थी। तो वो चीज आज इस सिस्टम में आके मेरी दूर हुई है। सिस्टम के माध्यम से धीरे धीरे जो लोगों की संगत थी वो भी दूर होने लग गई, और मेरे हस्बैंड के अंदर वो परिवर्तन आने लग गया। तो धीरे धीरे जब मैं अपने हस्बैंड को देखने लग गई कि वाकई में इनके अंदर ये परिवर्तन सिस्टम के माध्यम से इनके अंदर वो बदलाव आया है, तो मुझे भी यहाँ पर बदलना चाहिए अपने आप को, मुझे भी अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैं बोलना बहुत कुछ चाहती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, अंदर से निकलता था कि मैं ये बोलूंगी और मेरे से बोला नहीं जाता था। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि जब ये आदमी बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकती हूँ, तो मैंने धीरे धीरे सिस्टम को जानना शुरू किया। मेरी अपलाइन एक बच्चे जैसी थी मेरे सामने, तो क्योंकि गुरु चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गुरु गुरु होता है, क्योंकि एक सिखाने वाला अगर हम सीखना चाहते हैं तो एक नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकते हैं, और अगर हमारे अंदर सीखने की ललक नहीं होगी तो हम किसी से नहीं सीख सकते हैं। तो इतने मतलब बच्चे जो इंटर में पढ़ने वाले जो बच्चा ही था, तो हमारे दो बच्चे हो चुके थे और मेरे हस्बैंड जॉब करने वाले थे, मतलब सरकारी जॉब वाले थे। तो एक जॉब करने वाले के अंदर क्या होता है, एक ईगो होता है कि ये बच्चा मुझे क्या समझाएगा। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात मानी और उनको आज तक हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमें पल पल यहाँ पर साथ देते हैं और हमें आगे लाने का पूरा प्रयास किया। जब भी हमारे यहाँ पर अल्मोड़ा में जब यहाँ पर सेमिनार होती थी, तो क्योंकि मेरा घर के कामों के साथ साथ और काम भी रहता था, तो मैं मेरे से जब सेमिनार होता था तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि कल हमें सेमिनार में जाना है और आपको वहां पर बोलना है। पहले दिन से मुझे कुछ नहीं बताया जाता था, और जब एक मेरे पिताजी ने मुझे एक स्कूटर दिया था शादी में दहेज में, तो वो स्कूटर में जब हम दोनों लोग आते थे तो मुझे कहा जाता था कि आज आप क्या बोलोगे, तो मैं पीछे से बड़े धड़ल्ले से तो कहती थी कि मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, लेकिन जब मुझे मंच पर खड़ा किया जाता था तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता था। नाम की जगह गांव का नाम आता था और गांव के नाम की जगह अपना नाम आता था, तो मैं क्या होता था, मैं बहुत कांपने लग जाती थी जब मंच पर खड़ी होती थी। तो ये चीजें, क्योंकि आज सिस्टम के माध्यम से, आज हमारे गुरुदेव के माध्यम से आज मुझे इतना बोलने लायक, और इस सिस्टम ने, हमारे गुरुदेव ने, क्योंकि हमारे बीसी सर, हमारे टीसी सर,
इन्हीं लोगों के माध्यम से, अगर ये शायद आरसीएम नहीं आता तो हम लोग आज इस मंच पे नहीं होते और हम लोग वही होते जो काम हम आज तक कर रहे थे। और आज मुझे देखकर महिलाओं को ऐसा लगता है कि वाकई में भागीरथी विष्ट के अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है ये, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने देखा था कि ये बोलती नहीं थी, और बोलती भी थी तो जो शब्द मेरे मुंह से निकलता था, क्योंकि वो बहुत कड़क निकलता था, और उनको ये लगने लग गया कि ये बदल गई हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते हैं। तो जब धीरे धीरे, क्योंकि ये सिस्टम की ताकत है, अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, यहाँ पर हमारा सुबह का योगा का सेशन चलता है लेकिन हम उठते जाते हैं, नींद हमारी 4 बजे खुल जाती है और हम कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे, अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे, तो इससे क्या होता है, जो सुबह की नींद होती है आप 5 मिनट सोएंगे तो वो आपको आधा घंटा सुलाएगी, आप 10 मिनट सोएंगे तो आपको 1 घंटा सुला देती है, और उसके बाद हमारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस चीज का परिवर्तन जब अपने आप में हमें करना है तो हमें अपने आप को पूरा जगाने का पूरा प्रयास करना होगा। और आज इसी प्रयास के साथ मैं आज एक स्टार पल के लेवल पर हूँ, क्योंकि स्टार पल के लेवल पर कहते हैं ना, मैं जब मैंने यहाँ पर कुछ सीखा, कुछ देखा और लोगों को मतलब बदलते हुए देखा, और पहली बार जब मैं यहाँ पर सिस्टम में आई, धीरे धीरे मुझे यूट्यूब से, हमारे आदरणीय विजय बिरोड़िया सर यहाँ पर हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारी गुरु माता जो हमारे 1 PM वाला प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कल्याणी मिश्रा जी, उनकी मैंने वो कैसेट सुनी, मुझे वो कैसेट भेजी गई मेरे हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि पहले तो एंड्रॉयड फोन चलते भी नहीं थे, कीपैड थे, कीपैड में भी उतना अंदाजा नहीं आता था, तो धीरे धीरे हमने एंड्रॉयड फोन चलाना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को वो लिंक भेज यूट्यूब से उनका कल्याणी मिश्रा जी का जो 700 वाली उन्होंने कैसेट बनाई थी वो भेजा मुझे, और वो भेजने के बाद उनमें जब मैंने वो सुना, उनकी वाणी से जो सुना कि वो उनके अंदर जो परिवर्तन आया, तो मैंने भी अपने आप को धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया। मैंने कहा जब ये इतना स्ट्रगल ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी सीख सकते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संघर्ष करना जब होता है तो बहुत से दिक्कतें आती हैं, बहुत सी, क्योंकि संघर्ष से ही आगे कोई भी इंसान आगे बढ़ता है। अगर हम संघर्ष भी ना करें और कहें कि हमारे पास लाखों रुपया आ जाए, तो ऐसा भगवान भी ऊपर से हमको चेक करता है कि काम तो तू कुछ कर नहीं रहा है और मांगने की तेरी इच्छा बहुत है, लेकिन अगर हम काम करते रहेंगे तो ऊपर वाला भी देखता है कि यार ये मेहनती है, ये मेहनत कर रहा है और ये मेहनत करने के बाद इसे कुछ देना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर ऊपर वाला जब चेक करता है तो वो सीखने का प्रयास भी हमें देता है। मैंने भी अपने आप को इसी प्रकार का यहाँ पर प्रयास किया, और प्रयास किया तो आज क्योंकि करोड़ों लोगों से मेरी पहचान हो गई है, अगर हम कहीं भी चले जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी के यहाँ रहने की दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया कहीं भी हम चले जाएं, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी टीम फैली हुई है। तो सिस्टम के माध्यम से आज मुझे इतना बड़ा मंच जो मिला है, तो मैं अपने आप में वो गर्व फील करती हूँ, मैं अपने आप में वो प्राउड फील करती हूँ कि मुझे आज यहाँ पर बोलने का मौका मिल रहा है, कि भागीरथी बिष्ट जिसे कभी ये कहा जाता था कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें नहीं आता है, तुमको कैसे करोगे, क्या बोलोगे, ऐसा बोला जाता था, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपने आप में ये बोलने का प्रयास किया, धीरे धीरे मैं लोगों से मिलने का प्रयास किया, लोगों को आगे, महिलाओं को आगे बताने का प्रयास किया, अब मैं जहां पर भी जाती हूँ अपने प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ, लेकिन हमारे वहां पर इतने अच्छे प्रोडक्ट जिससे हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर जब हमारा यहाँ पर न्यूट्रिशन जब आया था, और मुझे जो सबसे ज्यादा जो सहयोग जाता है, जब मंच पर एक महिला, ऐसी महिला थी हमारी हरदोई से रहने वाली थी, वो महिला रॉयल्टी अचीवर वो रह चुकी थी, तो उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि दीदी आप बोल सकती हैं, आपको आता है, आपके अंदर सब कुछ है, तो वो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमें मंच पर जूम पर लाने वाली वो महिला थी, उन्होंने ही मेरे को प्रेरित किया, और मेरे अपलाइन मिस्टर रोहित कुमार जी ने, क्योंकि उनके माध्यम से भी हमें बहुत, मेरी अपलाइन तो खड़ी रहती है हमारे साथ, वो मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे साथ बराबर का उनका कॉन्टैक्ट रहता है, और बराबर आगे बढ़ने का उनके साथ जो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर सिस्टम से जो उनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है, वो हर बार कहते थे
कि मैडम आपको आगे आना है, मैडम आपको करना है। मैं उनको कह तो देती थी सर, हाँ मैं आऊंगी सर, मैं करूंगी सर, ये तो मैं कह देती थी, लेकिन मैं उनके सामने कभी नहीं जाती थी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो मेरी अपलाइन का हमारे ऊपर वो हाथ है, और अपलाइन को, अपलाइन ने हमें जब बार बार कहा कि सर आप मैडम को लाइए, सर आपको मैडम को आगे बढ़ाना है, तो आज हमारी अपलाइन को भी गर्व होता है कि वो कहते हैं कि पहले की भागीरथी में और आज की भागीरथी में वो परिवर्तन है। तो धीरे धीरे वो परिवर्तन मेरे अंदर आया, और परिवर्तन जब आया तो मैंने यहाँ पर धीरे धीरे लाइफ प्लान दिखाना शुरू किया। लाइफ प्लान दिखाना शुरू किया तो क्योंकि मुझे अंदर से था कि मैं प्लान दिखा पाऊंगी, लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको आज प्लान दिखाना है बोर्ड पर, और बोर्ड पर आप दिखाओगे। मैं ना नुकुर करते रही, नहीं नहीं मुझे नहीं आएगा, मैं जब अच्छी तरह सीख जाऊंगी। लेकिन मेरे दो बच्चे हैं वो भी आरसीएम में जुड़े हुए हैं, और हम चार के चार लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली आरसीएम है। तो आरसीएम कोई बुरा शब्द नहीं है, अगर आप आरसीएम को देखेंगे तो राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी आप इसे मार्केटिंग है, रामचरित्र मानस के नाम से आप इसे जान सकते हैं, और आर फॉर रिच, धनी हमें ये सिस्टम बना रहा है, सी फॉर करियर हमारा यहाँ पर बन रहा है, और एम फॉर मनी भी हमें यहाँ से मिल रही है। और अपने आप को यहाँ पर जब हम ये तीन चीजें रोटी कपड़ा मकान, तो ये चीजें हम जब मिल रही हैं, तो आरसीएम से ही धीरे 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 हमने एक गाड़ी भी खरीदी, और गाड़ी जब खरीदी तो गाड़ी का उद्घाटन करने के लिए हमारे यहाँ से हमारे गुरुदेव राव अजीत जी आए थे, और हमारे गुरुदेव हमारे बलवान दीक्षित जी के बड़े बेटे सुनील दीक्षित जी आए थे। तो उनके माध्यम से जब धीरे धीरे सिस्टम को सीखा, तो हमने गाड़ी भी ली, और सिस्टम के माध्यम से धीरे धीरे हमने मकान खरीदा। सिस्टम के माध्यम से आज धीरे धीरे हमारी एक वंडरवर्ड पीयूसी हम चला रहे हैं। तो पीयूसी जब चल रही है, तो आज धीरे धीरे मतलब कि ये है कि बिल चढ़ाना कैसे है, और कैसे लोगों को सामान देना है, लोगों को किस रेट पे सामान देना है। तो मैं अपने घर पर भी वो सामान को रखती हूँ, और अपने घर से भी रिटेल करती हूँ, और शॉप को भी संभालने का पूरा वो रहता है। और तो धीरे धीरे जब इतने परिवर्तन आ गए, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर महिला सीखने का प्रयास करे, हर महिला अपने आप को आगे लाने का प्रयास करे। तो मेरे को जो लगा सिस्टम से कि ये बदलाव का जो सिस्टम है वाकई में बदलाव का है। जो महिला आज 1 PM में जो हमारी महिलाएं बोलती हैं, कि बहुत सी हम लोग कहते हैं कि हम लोग बोल नहीं पाते थे, और आज बोलने का हमें यहाँ पर दिया गया है, हम लोगों को आगे लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज तक हम लोगों को क्या था, अपने चाहे हम कितने ही सेठ बाप के बेटियां हो, कितने ही सेठ पति की पत्नियां हो, तो ऐसा सम्मान हमें कहीं पर नहीं मिला जो आज सिस्टम ने दिया। मैं ऐसे सिस्टम को नमन करती हूँ, मैं ऐसे गुरुदेवों को नमन करती हूँ, मैं ऐसे अपलाइनों को नमन करती हूँ, जिनके माध्यम से हम लोगों को, हम गरीब महिलाओं को आज यहाँ पर आगे बढ़ने का, क्योंकि हम गरीब इसलिए हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम अपने आप को गरीब इसलिए बनाते हैं, हमारे जो अंदर के विचार हैं वो हमें गरीब बनाते हैं। लेकिन हम अगर उन विचारों को अलग रखते हैं, तो उन विचारों के साथ अगर उन विचारों को निकाल के हम अच्छे विचारों को यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग कहीं से कहीं तक गरीब नहीं है। और आज जो मैं देखती हूँ, बहुत सी जॉब वाली महिलाएं सुबह जैसे जो स्कूल जाती हैं, कोई जॉब करती हैं, तो वो ऐसी अपड़ा तपड़ी में घर से निकलते हैं, और अपड़ा तपड़ी में घर में उन्होंने काम वाली बाई रखी है, उनको कोई टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टाइम ही टाइम रहता है, और उस टाइम का भी हम सदुपयोग नहीं करते हैं, उस टाइम को भी हम वेस्ट करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं। जैसे सुबह वाले सेशन में हमारे गुरुदेव, वाकई में जो गुरुदेव ने यहाँ पर जो योगा का फ्री का, लोग पैसे दे के जिम जाते हैं, लोग पैसे दे के योगा करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री का मिलते हुए भी हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो ये क्या है, हमारे अंदर की कमी है, हम लोगों की कमी है, हम लोग अपने आप को जगाना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपने आप को बड़ा आगे लाना नहीं चाहते हैं, हम लोगों का विश्वास क्या है अंदर से, एक मन कहता है कि उनका उठो जागो, और एक मन कहता है नहीं अभी नहीं फिर कभी, अभी नहीं फिर कभी। तो जो हम फिर कभी वाला जो हमारा यहाँ पर वो रहता है, तो हम उसको आगे नहीं ला पाते हैं, तो वो फिर कभी वाला हमारा फिर कभी में ही जाता है। लेकिन हम जब जाग जाते, क्योंकि कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो हमें यहाँ पर जगाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें यहाँ पर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें जब इतना अच्छा सिस्टम, मैं तो ऐसे सिस्टम को नमन करती हूँ कि मुझे आज पहली बार सुबह वाली मीटिंग में बोलने का मौका मिल रहा है, और दिन की मीटिंग में मुझे होस्टिंग करने का मौका मिलता है, मेरी कहानी भी वहाँ पर आ चुकी है,
तो जब इतने अच्छे प्रोग्रामों के साथ हमें ये चीज मिलता है तो हमें इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए, हमें इन चीजों को करना चाहिए। आखिर क्या है सिस्टम में? लोग कहते हैं कि हमने आरसीएम छोड़ दिया, लेकिन आरसीएम को लोगों ने नहीं छोड़ा, आरसीएम लोगों ने आरसीएम को नहीं छोड़ा, आरसीएम ने लोगों को छोड़ा। क्योंकि लोगों की धारणाएं ऐसी होती हैं, लोग अच्छी चीज को, कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो अच्छी चीज को हमें लेने जाना पड़ता है और बुरी चीज घर आती है। तो लोगों का विचार भी ऐसी है, जैसे एक दूध वाला घर में आके दूध दे जाता है तो लोग जो गलत उसमें जाते हैं तो वो मार्केट तक जाते हैं उस चीज को लेने। तो ये यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया है उनके अंदर परिवर्तन हुआ है, उन्होंने अपने आप में वो परिवर्तन पाया है। क्योंकि मैंने परिवर्तन पाया है तो आप लोगों ने भी जरूर पाया होगा। मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, मेरे अंदर जो मैंने संघर्ष किए, क्योंकि मैं बार बार पुरानी यादों को नहीं वो होना चाहिए, तो मैंने जो संघर्ष किया आज उसी संघर्ष के साथ हम पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि हम चार के चार लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। मेरा बड़ा बेटा पीयूसी चलाता है, छोटा मेरा एनिमेशन का कोर्स कर रहा है देहरादून से, तो वो पोस्टर भी बनाता है, और मेरे हस्बैंड अपने जॉब के साथ साथ इस सिस्टम को भी कर रहे हैं। और लेकिन मैं एक गृहिणी होकर भी इस सिस्टम को कर रही हूँ, तो हम लोग सब कर सकते हैं इसको, हम लोग सब भी इसको सीख सकते हैं। कहते हैं ना, श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। ये तीनों चीज अगर जहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर वो सम्मान हमें यहाँ पर देती है यहाँ पर, क्योंकि हमारे सम्मान भी हमें मिलता है और यहाँ पर मान भी हमें मिलता है, सम्मान भी मिलता है और योग्यता भी हमें यहाँ पर मिलती है अपने आप को आगे लाने के लिए। तो इन चीजों से हमको बहुत सी प्रेरणाएं ऐसी लेनी है। हमारे गुरुदेव यहाँ पर हमारे लिए हर समय, हमारे बीसी छावड़ा सर हर समय यहाँ पर रहते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए यहाँ पर तैयार किया है, और फिर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस शब्द को हमने निकालना है और अपने आप को उस मंजिल तक पहुँचाना है, शून्य से शिखर तक हमें पहुँचाना है। तो आज अभी मैं तो कहती हूँ कि 99% में से अभी मैं 1% तक भी नहीं आई हूँ, और आने का पूरा प्रयास करती हूँ यहाँ पर। और प्रयास करने के बाद मेरे को जो लगता है कि मेरे को देख के बहुत सी, जब मेरे यहाँ पर जब मैं मीटिंग में रहती हूँ तो मुझे किसी का कॉल आता है तो वो कहते हैं मेरे से कि दीदी आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो मैं कहती हूँ कि मेरा ये समय है और इस समय में मुझे कोई कॉल ना करें क्योंकि मेरी मीटिंग चलती है। तो मेरे से कहते हैं लोग आप बहुत बिजी हो गए हैं, मैंने कहा बिजी नहीं हुई हूँ, मुझे यहाँ पर सीखने का मौका मिल रहा है तो मैं फालतू की बातें क्यों करूँ। मैं अगर मुझे कुछ सीखने का यहाँ पर मौका मिल रहा है तो मुझे सीखने का प्रयास यहाँ पर करना है। लेकिन जिस दिन मैं बड़े लेवल पर जाऊंगी, जिस दिन मैं बड़े मंच पर, मैंने एक अपने आप में एक निर्णय ऐसा भी लिया है कि मैं 100 महिलाओं को भीलवाड़ा के मंच पर ले जाने का पूरा ड्रेस कोड में उनको ले जाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। और अपनी गुरु माताओं के माध्यम से मुझे ये पूरी जानकारी उनके माध्यम से मिलती है, क्योंकि मेरी ग्रेट गुरु माता यहाँ पर मिसेस संध्या सिंह है, अंजू रोहित कुमार जी हैं, और हमारी कल्याणी मिश्रा मैम है, जितने भी सारे सीनियर गुरु माताएं हैं, गुरुदेव हैं, तो इनके माध्यम से मुझे आज ऐसा नेशनल मंच मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा एक स्लाइड के माध्यम से सर मैं पेश कर सकती हूँ। जी 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 कीजिए। जी तो ये चीजें जब हमें मिलती है तो अपने आप को हमें परोसने का मौका मिलता है, तो हमें अपने आप को पीछे को नहीं धकेलना है, आगे को लाना है। और अपने आप को आगे बढ़ने वाला जब हम लोग बना देते हैं तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि अपने आप को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जब अपने आप को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो अपने को पीछे नहीं करना है। तो कहने का मतलब यह है कि रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं ना, जब हम कोई मेहमान आता है तो उसके लिए जब हम रोटी पे घी लगाते हैं, तो नया मेहमान आया है, चाहे कोई भी मेहमान आया है, तो घी आज इनकी रोटी पे घी लगा दो कहते हैं, तो घी लगाई हुई रोटी की इतनी इज्जत होती है। और हमारे यहाँ पर हर किसी को जब भी पुकारा जाता है हमारे सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर का सम्मान दिया गया है, तो यहाँ पर जब उनको यहाँ पर जब बुलाते हैं तो उनके नाम के आगे जब जी लगता है, वो सम्मान हमें आज तक नहीं मिला था, और लेकिन सिस्टम में आके हमें वो सम्मान यहाँ पर मिला है। तो ये क्या है, यहाँ इस सिस्टम की ताकत है। ये यहाँ पर सारे जब सिस्टम की ताकत है, और सिस्टम को आपने देखा होगा कि एक
दीपक बोलता नहीं है, उसका जो उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह अपने अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें और वही आपका परिचय है। लेकिन आप एक दीपक को जब देखते होंगे तो उस दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। उस दीपक को जलते हुए दीपक अपने आप को रोशन तो नहीं करता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है। और इसी प्रकार का हमारा सिस्टम भी है। और आज जो अपने आप को परोसने अपने आप को यहाँ पर परिवर्तन का जो हमारा सिस्टम है, तो परिवर्तन के लिए जब हमारा सिस्टम हमारे पास है तो यहाँ पर कहा गया है कि हम भी क्यों ना उस दीपक की तरह बने और लोगों के दिलों में वो प्रकाश फैलाएं, लोगों के दिलों में वो प्रकाश को जगाएं। जो लोग अभी तक सिस्टम में नहीं आए हैं, जो जिन लोगों को अभी तक सिस्टम में कोई जानकारी नहीं है, तो लोगों के अंदर हमें भी वो प्रकाश फैलाना है। हमें भी अपनी अपलाइन जिनके माध्यम से आदरणीय हमारे बीसी सर, टीसी सर, जिनके माध्यम से हमारे पूरे इस जूम जो ये सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें आज सिस्टम मिला है, तो ऐसा प्रकाश हम लोगों के दिलों में फैलाना शुरू कर दें। तो लोगों के अंदर वो प्रोडक्ट हम उन्हें यूज कराए कि हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्टों से ये जानकारी ये फायदा है। तो इसी प्रकार का जब हम लोगों को ये चीज देते हैं तो यहाँ पर ये चीज हमें करनी है, तो लोगों का वो विश्वास जरूर जागेगा। यहाँ पर विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पर पत्थर को भगवान बना सकता है, विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम अगर हम विश्वास करते हैं तो आप देखते होंगे, अगर एक छोटा सा पत्थर और उसके ऊपर एक चुनरी उड़ा के एक जगह पर आप एक पेड़ के नीचे आप रख देंगे, तो वहां पर उस पेड़ के नीचे जब हम उस पत्थर को रख देंगे तो लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि यहाँ पर किसी चीज का मंदिर है और इस पत्थर में कोई भगवान विराजित है। तो उसको वहां पर रख देते हैं, लोग क्या करते हैं वहां पर पैसा चढ़ाना शुरू कर देते हैं, उस पत्थर की उतनी इज्जत हो जाती है। लेकिन अगर उस पत्थर को थोड़ा सा हम हटा के अगर रख देते हैं तो उस पत्थर से अगर ठोकर लगती है तो लोग उसे इतनी जोर से फेंकते हैं। तो यही विश्वास हमें यहाँ पर ये सिस्टम के माध्यम से मिलता है। तो ये विश्वास आज सिस्टम के माध्यम से सबसे पहला विश्वास हमें कहने का मतलब है कि हमारे अगर हमें विश्वास करना है पहले अपने अंदर के विश्वास को जगाना है, उसके बाद अपनी कंपनी पर विश्वास करना है, उसके बाद अपनी अपलाइन पर विश्वास करना है, उसके बाद अपने प्रोडक्टों पर विश्वास करना है। चार तरह से अगर विश्वास हमारा पक्का हो जाता है तो हमारा अंदर का जो आज तक हम जो नेगेटिविटी हम लोग नहीं कर पाते थे, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है तो वो साइड हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव होता है जब हम पॉजिटिव विचार सोचते हैं, पॉजिटिव से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो ये चीजें हमारे अंदर परिवर्तन होती है इन चीजों से। यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण जब अर्जुन को यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुई थी तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि भावी और शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो पीठ को थपथपाने के लिए भी पीछे से ही हमें मौका मिलता है, और अगर कोई किसी व्यक्ति के प्रति अगर किसी के अंदर कोई गलत धारणा है वो धक्का भी जब देता है तो पीठ पीछे से देता है। तो ये चीजें इसीलिए हमारे सर बार बार कहते हैं कि जब हम कुछ काम करके आते हैं तो अपनी पीठ को शाबाश ऐसे बोलना चाहिए। तो गुरुदेव की मुझे ये बात बार बार याद आती है। तो गुरुदेव ने जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब जो यहाँ पर परिवर्तन आता है वो परिवर्तन है साथियों, यहाँ पर जो परिवर्तन देखिए, आज जो परिवर्तन का जो सिस्टम है, पहले लोग घर के दरवाजे पे एक आदमी को तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर के अंदर ना घुस पाए, और आजकल क्या होता है, आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात रहता है ताकि कोई आदमी घर के अंदर ना घुस जाए। ये क्या है, परिवर्तन है। आज घर के अंदर इंसान कम और कुत्ते ज्यादा दिखते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। दूसरा जो है, पहले आदमी खाना घर पर खाता था और लैट्रिन घर के बाहर करने जाता था। अब क्या है, खाना बाहर खा के आता है और लैट्रिन करने, क्योंकि घर के अंदर ये चीजें सारी परिवर्तन हो गई है, लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो आज आप ये चीज आप देख रहे होंगे। तो तीसरा जो है, पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी, अब खाना
बनाने वाले बाहर से आते हैं और नाचने वाली घर की औरतें होती है। आज आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक परिवर्तन ही है, क्योंकि धीरे धीरे इतना परिवर्तन हुआ है। पहले से लोग घर की महिलाएं जो थी वो खाना बनाती थी और नाचने वालों को बाहर से लाते थे, और आज खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की महिलाएं नाचती है। ये सारा सारी जगह है ये। और चौथा जो है यहाँ पर, पहले आदमी साइकिल से चलता था और आज साइकिल से चलता था और गरीब समझा जाता था, अब आदमी कार से जिम जाता है और साइकिल चलाने वाले के लिए उसको गरीब समझा जाता है। तो यहाँ पर इतने ये परिवर्तन का यहाँ पर सिस्टम है। जब परिवर्तन हमारे अंदर आता है तो ये परिवर्तन क्या है, आज सिस्टम से हमें गाड़ियां भी मिल रही हैं, क्योंकि साइकिल से क्या होता था, जब साइकिल चलाते थे तो एक तो हमारा व्यायाम भी शुरू होता था, क्योंकि पांव का जो साइकिल हमारे पांव से चलती है तो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता था, पूरे हाथ पांव हमारे हिलते थे। तो आज परिवर्तन, धीरे धीरे ये परिवर्तन जब हमारे अंदर आया है और इस परिवर्तन को हमने स्वीकारना शुरू किया है, तो इस परिवर्तन से हम गाड़ी भी ले सकते हैं, बंगला भी ले सकते हैं, पैसे भी ले सकते हैं, मान सम्मान भी ले सकते हैं, और एक अच्छा परिवार हमें यहाँ पर मिला हुआ है। क्योंकि लोग आज, मुझे भी कोई कहीं से नहीं जानता था, तो मैं भी क्योंकि आज सिस्टम के माध्यम से मुझे लोग जानने लगे, हमारे आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर गुरुदेव हमारे, क्योंकि आज सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं भी उनको नहीं जानती, वो भी मुझे नहीं जानते, लेकिन आज सिस्टम की इतनी बड़ी ताकत है कि लोगों को पहचानने का यहाँ पर हमें मौका मिल रहा है। इतना अच्छा परिवार हमें मिला है, 3 से 4 करोड़ तक का हमारा पूरा परिवार बना हुआ है, हम इतने अच्छे परिवार में हम रह रहे हैं, इतने अच्छे संस्कारों में हम जी रहे हैं, तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि मुझे नहीं करना है RCM, मुझे नहीं सीखना है RCM, मैं क्यों सीखूं, मुझे तो मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन लोग उस चीज को नहीं देखते हैं जो उनके साथ, वो मान सम्मान नहीं है, वो उनके साथ वो उनको इज्जत नहीं मिलती है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति जब जॉब करता है तो उसकी जॉब, उसकी इज्जत तब तक होती है जब तक वो कुर्सी होती है उसके साथ, तभी तक उसकी इज्जत होती है। लेकिन हमारे वहाँ पर कुर्सी नहीं भी है तो हमें यहाँ पर इतने अच्छे लेवल मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ पर अपग्रेडेड जो प्लान हमारा आया हुआ है गुरुदेव के माध्यम से, उसमें हमें डबल धमाल का मौका मिलता है, डबल वहाँ पर हमें बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो इसको हमें स्वीकारना चाहिए, इसे हमें करना चाहिए, हमें हमारी अपलाइनों की जो बात बताई है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और मैं भी आज जहाँ पर जाती हूँ, मैं 2-3 दिन अपने गांव में थी, थोड़ा हमारा गांव में प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज वुमेन और पेन को ले गई थी। तो जब मैं यहाँ से रख रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से ले तो जा रहे हो, इसको सेल भी करना है। मैंने कहा, मैं यहाँ से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि मैं इनको सेल करके आऊंगी, लेकिन एक महिला ऐसी मिली कि उन्होंने कहा कि मेरे इस हाथ के, इस हाथ में, दाहिने हाथ में दर्द होता है, ये दाहिना हाथ मेरा ऊपर नहीं होता है, तो ये दाहिना हाथ मेरा ऊपर नहीं होता। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो एक चीज मैं आपको दूंगी, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, आप मार्केट की दवा खा रहे हैं, आप डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, उस पे विश्वास कर रहे हैं, उसकी एक टैबलेट पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारा 1 महीने का साटी गोलियां इसमें है, तो थोड़ा सा इस पर आप विश्वास कर लोगे तो आपको वो परिवर्तन। उन्होंने कहा मेरे से कि मैं हजारों की दवा ला रही हूँ, 1500-1500 के मेरे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट हुआ, थायराइड टेस्ट हुआ, 1500-1500 के मेरे टेस्ट हो रखे हैं। तो मैंने कहा इसको आप बगैर टेस्ट के, आप अगर ऐसे खाने से इसको टेस्ट कर सकते हैं तो आपको वो परिवर्तन होगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दे जाए, तो मैंने प्रिंट रेट में उनको दिया, 590 में मैंने उनको दिया। तो मैं 2 डब्बे गामा ओरिजिनल के और 1 पेनगो मैं दे के आई, तो एक महिला के पैर में, जब दूसरी महिला को मैंने गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, उनको मैंने बताया बहुत पहले था, क्योंकि गांव के लोग विश्वास नहीं करते थे, तो मैंने उनको बताया, तो मैंने उनको जब बताया। जी सर, समाप्त करिएगा थोड़ा जल्दी। जी जी, बस समाप्ति की ओर जा रहा सर। तो जब मैंने उनको बताया तो उनके पैर में स्वेलिंग भी थी, तो मैंने उनको गामा ओरिजिनल सजेस्ट किया, गामा ओरिजिनल मैंने उनको भी दिया। तो कल उस महिला का फोन आया था कि मेरे पास, कि मेरा जो दर्द है, मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा झूठ मूठ का मत कहना, जो सत्य है उसको कहना और खाली वो चीजें मत कहना, क्योंकि हमारा जो सिस्टम प्रोडक्ट है, हमें अपने प्रोडक्ट की कोई ऐसी तारीफ नहीं सुननी है, जब फर्क होता है तभी हमें वो तारीफ भी होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जो पैर में जो दर्द था, वो सूजन जो दर्द बहुत हो रहा था, वो कम हो रहा है। तो मैंने कहा अभी तो 2-4 ही दिन हो रखे हैं, 15 दिन भी नहीं हो रखे हैं। तो 2 गामा ओरिजिनल में उनको सजेस्ट करके आई और 2 गामा ओरिजिनल में गाँव में बेच के आई। मैंने कहा जब आपका दर्द कम होगा तो आप दूसरे को भी बता सकते हैं।
तो प्रोडक्ट की हमारे पास ये ताकत है। तो आज क्योंकि ये सिस्टम ने मुझे इस तरह बोलने का मौका दिया, हमारे गुरुदेव ने बोलने का मौका दिया, तो क्योंकि ज्यादा समय हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, तो मैं एक मैसेज द्वारा अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। तो साथियों यहाँ पर गम नहीं करना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और पूरे उसके साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।